खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज ऐसा। ओएलएक्स पर विभिन्न गाड़ियों को बेचने का विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ओएलएक्स के जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित रामकिशोर शुक्ल द्वारा थाना कलवारी पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन पुराना ट्रैक्टर लेने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन देखा गया, जिस पर अंकित के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रैक्टर से संबंधित कागज व योगेश सिंह का आधार कार्ड मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया गया, जिसके बाद दिनांक 2 अगस्त से 3 अगस्त तक मोबाइल नंबर के धारक द्वारा विभिन्न खर्चों को बताकर 2 पेटीएम खातों में 1.5 लाख रुपए मेरे साथ जालसाजी कर जमा करवाए गए। देखिए, थाना कलवारी के अंतर्गत धारा 420, 406 है और 66 आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने ओएलएक्स पे जो सामान बेचने के बहाने हैं, गाड़ी बेचने के बहाने हैं, इनसे अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए और उसके बाद में उनको गाड़ी भी नहीं दिया और पैसे वापस नहीं किए। इसी पे हमारी साइबर सेल की टीम और थाना कलवारी की टीम और हमारी स्वाट टीम के द्वारा इनकी जांच पड़ताल की गई। इनके अकाउंट्स की डिटेल निकाल के जब इनका पता किया गया तो इसमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कई लोग हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हमारी जो कलवारी पुलिस है और स्वाट टीम के द्वारा 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक तालीम खान है, एक वसीम अकरम है, एक आज़ाद खान और एक मुश्ताक पुत्र मोहम्मद अली। ये सभी लोग थाना खो और थाना डी तहसील के भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग जब इनका पूरा इनसे पूछताछ किया गया, इनसे पूरी जांच पड़ताल की गई और इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल लिया गया, तो इनके पास से करीब 15 जो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि भिन्न भिन्न बैंकों में, जैसे ICICI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और अन्य कई बैंकों में इनके द्वारा अकाउंट्स खोले गए थे और उस अकाउंट्स में ये लोगों से इसी तरीके से ऑनलाइन जो ओएलएक्स की गाड़ी बेचने के नाम पे एडवर्टाइजमेंट करते थे और पैसा डलवा के और फिर लोगों का पैसा हड़प लेते थे। इस तरीके से जब इनसे पूरी जानकारी की गई तो इनके अकाउंट में टोटल करीब अभी 1,30,000 रुपया फ्रीज करवाया गया हमारे द्वारा। और दूसरा, पिछले एक साल का इनका ट्रांजेक्शन डिटेल हमने जब देखा है तो करीब 30,70,000 का जो एक ट्रांजेक्शन इनके बैंक अकाउंट से हुआ है। इसका मतलब इन्होंने जो भिन्न भिन्न लोगों से करीब 2,30,70,000 रुपया जो ऐसे लोग थे उनको ठग के और अपने अकाउंट में डलवाया है और उनको इस तरीके से इन्होंने पैसा हड़पा है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि हम लोग ओएलएक्स पर विभिन्न गाड़ियों को ऑनलाइन बेचने का विज्ञापन देकर भोले भाले लोगों को अपने विश्वास में लेकर उनसे गाड़ियों को आर्मी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गाड़ी खरीदते हैं और उनके घर पहुंचाने व अन्य खर्चों के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फर्जी पेटीएम खातों में रुपया मंगाकर उन रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर कर रुपया निकाल लेते हैं। अब तक इस गैंग ने लोगों से लगभग 2,30,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। जालसाजों ने बताया कि यह कार्य उन लोगों द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व से ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों में किए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।